अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने जदों मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दी शान दे बारे अंदर फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नजीरा व दाईयन इलल्लाहि बिइज्निही व सिराजं मुनीरा। फरमाया है मेरे महबूब मुहम्मद जी, असी तुहानू ओ सिराज बनाया है जेड़ा चढ़ते गया है, इहदियां रोशनियां मदम नहीं पै सकदियां। उदों तो लैके जेड़े दुश्मना ने दीन, दुश्मना ने इस्लाम मुख्तलिफ अदवार अंदर हरजा सराई की कोशिश करते रहे, जिमें जिमें ये मेरे नबी अली सलातु वसलाम के बारे अंदर बात करते, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला उवें उवें उम्मत अंदर इजाफा फरमांदा ते गुस्ताखां दी आप खबर लैंदा। हाँ हाँ, गुस्ताखां दी अल्लाह ने आप खबर ली। कुरान पाक दा अगर तुसी मुतालिया करो तुहानू ये बात समझ आएगी कि अल्लाह सुबहाना हुआ ताला कुरान पाक अंदर चंद एक को दो चार मुकाम ही ऐसे ने जिथे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने गुस्से का इजहार फरमाया है। चंद एक मुकाम ऐसे जिथे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने गुस्से का इजहार फरमाया। मेरे नबी के बारे अंदर को बात हुई, अल्लाह ने पूरियां कुराने पाक दियां दो सूरतां ही शान अंदर नाजल। वैसे तो हरफ हरफ मेरे नबी की शान है, लेकिन मेरे नबी की शान बयान फरमाया तो दुश्मना दे इन्हां गुस्ताखां दे अंजाम नूं भी बयान फरमाया। गुज़श्ता चंद दिन पहले हिंदुस्तान अंदर जिहड़ी भाजपा उत्थों दी इस वक्त गवर्नमेंट है, हुकूमती पार्टी बीजेपी जिन्हों कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी, तुसीं इस बात को इवें समझो कि जिवें पाकिस्तान अंदर मौलवियां दी हुकूमत आ जाए। एग्जाम्पल मौलाना फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी वाले सियासत अंदर ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत आ जाए, कैबिनेट सारी फैडरल जड़ी मिनिस्ट्रियां ने सारिया मौलवियों के कोल, सदर भी मौलवी, वजीर आजम भी मौलवी, दूसरिया भी दो चार बलोचिस्तान से वैसे वो लै जाते हैं, के पी के भी लै जाते हैं तकरीबन। तुसी की कहोगे कि जनाब पाकिस्तान अंदर मौलवियों की हुकूमत है, मजहबी लोगों की हुकूमत है, जेड़ा मोदी है ना मोदी, वो भी बेसिकली उतों का तुम उन्होंने मौलवी समझो, कट्टर जिन्हों हिंदुत्व बोलिया जाता है। इस वक्त जी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, भारत अंदर, हिंदुस्तान अंदर, वो भी कट्टर हिंदुओं की, हिंदू यहूदी यहूदी तो हिंदू लैवल अंदर बस उत्ते थले ही होंदे रहिंदे ने, लैवल तकरीबन इन्हां दा कदी वह एक इंच थले हो गया, कदी वह एक इंच थले हो गया, लैवल इन आयारी मक्कारी अंदर दुनिया के नाल पंगा लैणगे, लोगों को खराब करनगे, मईशत को तबाह करनगे, अपने कंट्रोल अंदर करनगे। तो जो कोई इन्हां नू डंडा विखाएगा ना मारन की तो दूर की गल है, मेरे तेरे च ते साडे अंदर, मैं तो अपनी बात करांगा, ईमान की वह हलावत ही नहीं, ईमान की वह बुलंदी नहीं कि असीं किसी नू डंडा ही विखा सकीए। इन्हां नू डंडा मारना नहीं पैंदा, सिर्फ विखाना पैंदा। हल्का जिहा अरब कंट्रीज ने थोड़ा जिहा डंडा नहीं विखाया, बस एवें ही कीता, फिल वक्त ते घुटनियां दे बल आ गए, लेकिन अगों होर खबासतां शुरू कर छड़ियां। तो बाहर कैफ तवज्जो फरमाना, कुराने पाक अंदर जिमें उसलूब बयान होया है ना कि जिमें सलात जकात नमाज जकात, जिमें वालिदैन की फरमा बरदारी अंदर अल्लाह अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने हुक्मे रब्बानी अंदर इरशाद फरमाया, इस तरीके नाल वालिदैन नू औलाद दे मामलात दे बारे अंदर भी इरशाद फरमाया, उन्हां दे हुकूक दे बारे अंदर भी। सिंगल चीज कुराने पाक ने नहीं बयान की, अगर जन्नत का तस्करा चल रहा तो अगे जहन्नम शुरू हो जाएगा, अगर जहन्नम का तस्करा चल रहा तो अगे जन्नतां दे तस्करे शुरू हो जाएंगे। तवज्जो फरमाना जरा, असीं भी इसे पैराए अंदर गुफ्तगू करने की कोशिश करांगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, तो मैनू तैनू पक्का सच्चा नबी अली सलातु वसलाम का मुहिब बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा।
अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी पाक कलाम अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम नु मां जी सैयदा खदीजतुल कुबरा इन्हां दे बतन विचों अल्लाह ने चार धीआं ते तीन बेटे अता फरमाए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। तैयब ताखिर कासिम अब्दुल्ला मेरे नबी दे बेटे, लेकिन मेरे नबी दियां बेटियां परवान चढ़िया, नस्ल भी अगे तक चल रही। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। विरिया जरा तवज्जो फरमाए ना, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी नु अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, लेकिन यगे बाद दिगरे अल्लाह ने अपने कोल बुला ले। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एदी हिकमत बेहतर जानते ने कि कल नु कोई गली दे अंदर मेरे मुहम्मद दा बेटा चलदा फिरदा होवे, कल नु को किधरे यही ना आखे कि ओ मुहम्मद वर्गा जा रहा है, मैं मुहम्मद वर्गा ते किसे होर नु बनाया ही कोई नहीं है ना। एक होर रिवायत अंदर अल्लाह दे नबी दा फरमाने आली शान जी शान ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया मेरे साहबा, अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा ते मेरे नबी दी बीवी सैयदा मारिया किबतिया जेड़े मेरे नबी दी लौंडी सलना, अल्लाहु अकबर कबीरा, उन्हां दे शिकमे मादर चो पैदा होने वाले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर अल्लाह दे नबी ने फरमाया, मेरे साहबा, मेरे बाद कोई नबी नहीं है ना, अगर को मेरे बाद नबी होंदा ते मेरा बेटा इब्राहिम नबी होंदा, क्योंकि अल्लाह ने नबुवत वाले सिलसिले नु खत्म कर छड़े आए, मेरे ते आके खत्मे नबुवत दा ताज सजा दिता गया, खत्मे नबुवत दी मोहर लग गई है ना, यानी हुण कोई नबी आना नहीं है। दीन इस्लाम कंप्लीट हो चुकिया, कयामत तक एहो दीन रहेगा। अल्लाहु अकबर। आज़रा तू तवज्जो फरमाए, जदों मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे बेटे अल्लाह कुल जा रहे ने ना, अल्लाह दे नबी दे बेटियां दी वफात होई, इधरों मक्के दे चौधरी ते मुशरिकी कहंदे ने ना, कहंदे ने के वेखो मुहम्मद दी ते नस्ल ही खत्म हो गई है, बंदा चलदा है, बंदे दे मुआमलात चलदे ने ते उहदियां नस्लां नाल चलदे ने, अगर नस्ल अगे चले ते बंदे दी पहचान बाकी रहिंदी है, बंदे दे मुआमलात बाकी रहिंदे ने ना, नस्ल दर नस्ल चीज़ां मुंतकिल भी हो जाया करदियां ने, सदारतां मुंतकिल होंदियां ने, चुदराहटां मुंतकिल होंदियां ने, सियासत मुंतकिल होंदी है। अल्लाहु अकबर। इसे तरीके नाल दुनियावी जाविए दे मुताबिक ए मक्के दे चौधरी बातां करदे ने ना, कहंदे ने मुहम्मद दी ते नस्ल ही खत्म हो गई, यानी अबतर हो चुके ने ना, इन्हां दी ते जाड़ी मुक गई है ना, हुण ते अगे मामला नहीं बच सकेगा। मैं ना इन्हां नू की पता सी कि अल्लाह सोने ने ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इस मेरे नबी दे पैगाम नू, मेरे नबी दे पैगाम नू, रब दे कुरान नू, अल्लाह ने कयामत तक ते जन्नत अंदर ना खत्म होने वाली जिंदगी तक कायम रखना है ना। अल्लाहु अकबर। जरा तू ही तवज्जो फरमाए, जदों मेरे नबी नू सतांदे ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू गल्लां करदे ने ना, अल्लाह करीम ने कुरान पाक अंदर सूरह कौसर नाजल फरमाई है, अल्लाह सुबहानहु व तआला दा इरशाद इरशाद होया, अल्लाह करीम ने फरमाया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्ला अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया है मेरे महबूब जी, परेशान नहीं होना, असी ते तुहानू कौसर अता फरमाया। मुहद्दिसी ने किराम मुफस्सरी ने किराम लिख देने ना, अल्लाह करीम ने फरमाया है मेरे महबूब जी, असी तुहानू खैरे कसीर अता फरमाया, तुहानू बड़िया ज्यादा भलाइया नाल नवाजे आए ना, नाले असी तुहानू कौसर अता फरमाई है,
दोवे तर्जमे करदे ने नाले हुण तुहाडा कम की बनदा तुसी परेशान नहीं होना फसल्ली रब्बिका वन्हर तुसी नमाज़ां पढ़ी जानियां ने कुर्बानियां करी जानियां ने यानी अपने आप नू और ज्यादा मेरी इबादत दे अंदर मशगूल मसरूफ कर लवो ए मेरे महबूब पैगंबर ए मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जेड़े बातां करदे ने ए जेड़े गल्लां करदे ने ना इन्ना शानिया का हुवल अबतर ए जेड़े ने ना इन्हां नू कोई जानन वाला नहीं होएगा इन्हां दियां नस्लां मुक जाणगियां एहो दुम कटे एहो जड़ कटे ने ना यानी के इन्हां दा नामो निशान मिट जाएगा असी तुहाडा वाला फरना लका जिक्रक असी तुहाडे जिक्र नू बुलंद फरमा दियांगे कितना को बुलंद फरमावांगे जमीना ते तुहाडे चर्चे ते आसमाना ते भी तुहाडे चर्चे होणगे अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी नू अल्लाह ने भलाइयां नाल नवाजिया खैर कसीर अता फरमाई मेरे नबी अलैहि सलाम कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दे तहत अगे बढ़ दे अल्लाह दी तौहीद नू सामने रखदियां होया मेरे नबी जदों ऐलान नबुवत फरमाया ए दुश्मन दुश्मन दुश्मनियां दे अंदर तेज हुंदे चले गए ने ना ए दुश्मनियां करदे ने इधरों बदर दा मारका सजदा है अल्लाहु अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर बयान करदे ने अल्लाह दे नबी नू मैं वेखिया हुजूर अपने मोर्चे दे अंदर अपनी झोंपड़ी दे अंदर अपने खैमे अंदर तशरीफ फरमाने ना अल्लाह दे नबी उते हाथ उठाए हुए अल्लाह दे अगे अर्ज करदे ने अल्लाह जी अल्लाह सोणिया मेरे कोल जिन्ने को सलना जितनी को तादाद मेरे कोल बनी अल्लाह मैं तेरे कलमे दी बुलंदी वास्ते आलाए कलिमतुल्ला वास्ते अल्लाह सारे दे सारे लेकर के आ गया अल्लाह जी कामयाबियां ते तेरे कोल ने ना अल्लाह फतह दा मालिक तू है ना साडा ते कम जिद्दो जोहद करना साडा ते कम सही ते कोशिश करना है ना अल्लाह जी अगर अज इन्हां नू कुछ हो गया कल नू तेरे दीन दा नाम लैण वाला कोई बाकी नहीं बचेगा अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमाईया फतह नल हमकिनार फरमाया अगली जंग जंगे ओहद आउंदी है ना ए जंगे ओहद दे अंदर अल्लाहु अकबर मेरे नबी दे सामने ए जदों कुफार दा लश्कर है ना अल्लाह 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 मेरे नबी नू एवें जदों घुमसान दी लड़ाई आउंदी है साहबा जदों एवें माले गनीमत दी तरफ आउंदे ने ना हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं होए पिछों दी हमला कर छड़दे ने हालांकि अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी ए जिन्नी देर तक मेरा हुक्म ना होवे ए जगह नहीं छड़नी आहा सुभान अल्लाह जिन्नी देर तक मैं मुहम्मद दा हुक्म ना होवे ते जगह ना छड़िया जे इतों ही लिया जे ना अल्लाहु अकबर साहबा समझे फतह हो गई है वो अगे आए मामला होर सी उन्हां नू की पता सी के पिछे होर भी मोर्चा पिया होया है अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 हुंदा इंजे ना मेरे नबी अलैहिस्सलाम जदों घुमसान दी लड़ाई छिड़ जांदी है मेरे नबी दे सज्जियों खबियों चंद सहाबा बाकी रह गए ने ना हजरत साद रजी अल्लाह तआला मेरे नबी दे महबूब सहाबी हजरत साद मेरे नबी दे सामने आए मेरे नबी जी दी सिक्योरिटी करदे होया दुश्मना ते तीर बरसा रहे ने ना अल्लाह नबी फरमाए रुमाया साद तीर बरसाओ मेरे प्यारे साद फिदा का भी व उम्मी मेरे मां पियो साथ तेरे ते कुर्बान हो जान मैं क्या हुजूर जी हजरत अबू बकर सिद्दीक तो लैके तुफैल दौसी तक ते कयामत तक आने वाला आखिरी मुसलमान भी आके फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह दे रसूल तुहाडे ते मां पियो भी कुर्बान जिंद जान कुर्बान ते मेरे नबी फरमा रहे साद फिदा का भी बउमी
साध तेरे ते मेरे मां पिओ कुर्बान हो जान, तीर बरसा जरा। अल्लाहू अकबर ला ला। इधरों जो लड़ाई छिड़ी इधरों उत्पा नामी बदबखत इवें पत्थर पकड़ करके निशाना लै करके मेरे नबी दी पिशानी मुबारक ते पत्थर दवार कर दाए ना, मेरे नबी पहलू दे बल गिर जाते ने। हुजूर नीचे जमीन ते गिरे हुए बुखारी पाक दे अल्फाज ने ना, मेरे नबी दा लहू बहरे आए, हुजूर दा खून बहरे आए ना। जदों खून वेखिया जदों अल्लाह अकबर अपने आप नू जख्मी हालत दे अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, अल्लाह दा उस कौम ते सख्त अजाब नाजल होवे जिन्हें अपने पैगंबर नू खून आलूद कर छड़िया। लेकिन नाल ही अगले लम्हात दे अंदर अगले लहजियां दे अंदर ओ जज्बा रहमत पलट आंदा है, मेरे नबी उत्थे ही दुआवां करदे ने, अल्लाहुम्मा अहदी कौमन फइन्नहुम قوم لا يعلمون। अल्लाह जी इन्हां नूं हिदायत नसीब फरमा दे, अल्लाह ये नहीं जान दे कि मैं तेरा नबी हाँ मैं तेरा रसूल हाँ। अल्लाह अगर इस बात नूं जानदे हुंदे कदी भी मेरे सामने ना आंदे, कदी भी मेरा मुकाबला ना कर दे। मेरे नबी इन्हां वास्ते हिदायत दियां दुआवां फरमा रहे ने, किन्हां वास्ते जेड़े पत्थर बरसा रहे ने, तलवारां नाल मुकाबला कर रहे ने, जेड़े तीर बरसा रहे ने। हुजूर उन्हां वास्ते की फरमा रहे ने, दुआवां उस हालत अंदर हुजूर दुआवां फरमा रहे ने। अल्लाहु अकबर ला ला। मेरे नबी अलैहि सलाम दी जिंदगी मुबारक दे अंदर जदों मक्का फतह होया अल्लाह दे नबी ने फरमाया, वजतुमुहुम कतलतुमुहुम तहता अस्तारिल काबा। आ जेड़े अल्लाह दे नबी ने नाम ले करके फरमाया, ऐ जेड़े नामी बंदे ने ना अगर तुहानू काबे दे खिलाफ दे अंदर भी छुपे हुए मिल जाण ते उत्थे भी इन्हां दीआं गर्दनां मार देनियां। हदीसे पाक अंदर आंदा है हुजूर ने हुक्म फरमाया फतह मक्का दे मौके ते, मुसलमाना दी एक पार्टी इस बात नूं मंदी नहीं। दूसरियां रिवायात हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे वास्ते जिहड़ियां खास चीजा मैनू अता फरमाइया ने ना, उन्हां चों ये भी खासा मेरे मुतालक ही है कि मक्का मुकर्रमा दे अंदर हरम अंदर अल्लाह ने मैनू कुछ टाइम वास्ते किताल की भी इजाजत फरमाई। हाँ, इन्हां गुस्ताखां दे सर तन तो जुदा करने की भी इजाजत फरमाई। ये बात की बात है, बड़िया के सर तन तो जुदा कर दिते गए तो बड़िया ने अमान लै ली, बड़िया ने पनाह लै ली। तो पनाह कहते कहते घर अंदर मारूफ तो तुसी सुने होने ने, हजूर ने यह भी फरमाया सी ना कि जिहड़ा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन सैयदना अबू सुफियान के घर अंदर जिहड़ा पनाह लै लेगा वह भी मैं मुहम्मद की पनाह अंदर है, उन्होंने हर मुसलमान पनाह देगा जिहड़ा अबू सुफियान के घर के अंदर पनाह लैगा। तो अज कई मुसलमान बदबख्त योजे भी ने कि जिहड़े हज़रत अबू सुफियान चंगे लफ्जा नाल याद नहीं करते, हज़रत अमीरे मुआविया के बारे अंदर खराफात बकते ने तो कहें अपने आप को मुसलमान ने, तो सुन्नी भी खिलवाते हैं अपने आप को। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी नू अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन्ना गुस्ताखां दा सर तन तो जुदा करने दा हुक्म इरशाद फरमाया के अल्लाह दे नबी फरमाया अगर काबे दे खिलाफ अंदर भी लिपटे हुए मिल जान उत्थे भी छुपे हुए मिल जान ए तो उत्थे भी इन्हां दीआं गर्दनां नू मार देना है, इन्हां नू बख्शना नहीं है ना, क्योंकि ए ओ लोग ने जिन्हां ने इस्लाम नू बड़ा नुकसान पहुँचाया है, वाजे मेरियां गुस्ताखियां कीतियां ने कई एहो जे सन जेड़े आए चल करके मेरे नबी दे कदमी ढह पैंदे ने आ करके मुआफी मंगदे ने ना। अल्लाह दे नबी ने बड़िया गुस्ताखानू अपनी जिंदगी मुबारक दे अंदर मुआफ भी फरमाया ते बड़े सारे गुस्ताखां दे सर तन तो जुदा करने दा हुक्म भी इरशाद फरमाया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, ओ फलां औरत मेरी शान अंदर गुस्ताखी कर रही है, कौन उदा सरतन तो जुदा करेगा। हजरत खालिद बिन वलीद खड़े हुए इन्होंने, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल मैं हाजर, हुजूर मैं उदा सरतन तो जुदा करके ले आवांगा। मेरे नबी ने फिर एक मौके ते फरमाया, कौन जेड़ा काब अशरफ दा सरतन तो जुदा करके ले आएगा। मेरे नबी दे पांच सहाबा खड़े हुए हजरत मुहम्मद बिन मसलमा की क्यादत के अंदर, ये जाते ने रात के अंधेरे के अंदर
ओदे कले दे अंदर दाखल हो करके ओदा सर तन तो जुदा करके मेरे नबी दे सामने आंदे ने तेंज पिछे सर पकड़िया होंदा है। अल्लाह दे नबी अपने ना कमांडो सहाबा दी तरफ वेख देन, हुजूर फरमांदे ने अफलाहतिल वजूह, कामयाब चेहरे लौटे हैं। ये सारे सहाबा यकजबा हो के बोले, कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी कामयाब चेहरा ते अल्लाह ने तुहाडा बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल तुसा फरमाया सी काक बिन अशरफ दा सर तन तो जुदा करके ले आना है, ओ गुस्ताखे रसूल दा। सहाबा सर ओदा पकड़ करके अग्गे कर देने, अल्लाह दे नबी जी हुक्म दी तामील होई है, ए गुस्ताखे रसूल दा सर तन तो जुदा करके ले आए हैं। मेरे नबी दी जिंदगी मुबारक दे अंदर बहुत सारिया दे कतल दे परवाने भी जारी होए, ते बड़े सारे नू हुजूर ने मुआफ भी फरमाया। मसला समझना, मेरे नबी दी रहलते मुबारका तो बाद, मेरे नबी दे विसाले मुबारक तो बाद पूरी उम्मते मुस्लिमा दा फैसला है। उम्मते मुस्लिमा दे तमाम गुरो, हत्ता के शिया भी इस फैसले दे अंदर बराबर दे शरीक ने कि जेड़ा सोने नबी दा गुस्ताख होएगा उदा सर तन तो जुदा कर दिता जाएगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दुनिया सारी नु एदी तकलीफ है, ऐसे मामले दी तकलीफ। अल्लाह अल्लाह सानू सुल्तान अब्दुल हमीद खान रहमतुल्लाह अलैह जैसे हुक्मरान नसीब फरमा दे। इन्हें फ्रांस वालिया ने आख्या खाके छाया करांगे, असी एक थिएटर करांगे कि जेदे अंदर उम्मत मुस्लिमा दे पैगंबर आजीम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाके शाया कीते जाएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान रहमतुल्लाह अलैह नूं पता चलिया सल्तनत उस्मानिया दे आखिरी सलातीन विचों, जदों इन्हां नूं पता चलिया फ्रांस दे सफीर नूं बुलवाया, कल्ला उन्हूं बुलवाया नहीं अपनी जंगी वर्दी पा के खड़ोते उहदे सामने, अपनी पिस्तौल दे उत्ते हत्थ सुल्तान दा उन्हूं बुलवाया सामने। उन्हां दा जिहड़ा अर्दली सी उह लैके आया, पेश होया सफीर नूं। सफीर कहण लग्या जी इस कल ते थिएटर है, असी नहीं रोक सकते। सुल्तान रहमतुल्लाह ने तारीखी कलिमात कहे, कहंदे ने तुसी रोको ना रोको, साडियां तलवारां इराक तो लैके हिजाज तो लैके हिंदुस्तान तो लैके पूरी दुनिया तो हर मुसलमान की तलवार तुहाडी तरफ होएगी, जिन्नी देर तक कोई एक मुसलमान भी जिंदा रहा तुहाडे परखचे उड़ांदा रहेगा। ते मैं तुहाडे नाल एलाने जिहाद करना, एलाने जंग दा तबल बजा दिता जाए। इन्होंने वेख्या कि मैं तुहानू पहले बात जुमे च कीती कि यहूदी है हिंदू हुनू तो यहूद, इन्हां नू डंडा यार मारन की जरूरत ही नहीं है, तुसी डंडा तगड़े तरीके नाल विखा दिओ, यकीन हो जाए वज जाएगा। एक होर मिसाल देवा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच किहड़े सन, जनरल ज़िया साहब रहमतुल्लाह, जनरल ज़िया जांदे ने हैं, राजीव गांधी जिन्हों राजीव गांधी भी कहते, वो कानने च इको गल की जिन्होंने कहा, जनरल साहब फरमाया कि देख हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ एक हिंदुस्तान है, दुनिया च हिंदुओं का इको मुल्क है, तो साढ़े मुसलमानों के ढेर सारे मुल्क ने। मैं सब तो पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरदा जो लफ्ज बोलना है ना फायर, कि जो कुछ भी साढ़े को एटम बंब बन चुके हैं उन्होंने दिनों धमाके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर अंदर नफर, मैं एको ही लफ्ज़ बोलना कि फायर, दूसरा लफ्ज़ नहीं बोलना। साडा कुछ रवे ना रवे असी धरती तो हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। तारीखी अल्फाज आ जड़ियाँ फौजा बार्डर से सड़ना अगले दिन अपने घर चो लिया। हाँ मेरा वीर मुसल वह प्यारे, तेन कौन कहता कि तू बंब चला, तेन कौन कहता कि लड़, तू सिर्फ दस तो सही ना कि मेरा दिफा बड़ा स्ट्रोंग है, मेरा दिफाई हिसार बड़ा मजबूत है, जरूरत पैण तो मैं सारा कुछ चला सकना। मैनू लबैक तहरीक के अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब याद आए, वो कहते सन एटम बंब कादे वास्ते रखे ने, कादे वास्ते रखे ने, चला दो इन्हों, और बात उन्होंने सही है। फिका के एक बहुत बड़े इमाम कहते फरमान
कि जिस उम्मत के सामने उसने नबी दी तौहीन होवे ते उम्मत फिर भी जिंदा होवे, ऐसी उम्मत नूं जिंदा रहण दा हक ही कोई नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। ये आए रोज हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई खड़ा होंदा। पहले इन्होंने बकवास की, फिर पूरी बीजेपी ने, भाजपा ने उहदी 7-8 दिन उहदी पूरी पुश्त बनाई की। उमान दे जेड़े काजील कजात मुफ्ती आजम, उन्हां दा फतवा ट्विटर ते आया, उन्होंने लिखा कि इन्हां नाल कारोबार बंद कर दिता जाए, हर चीज़ खत्म कर दी जाए। अगले ही रोज़ तहरीकां उठियां अरब अंदर, खलीजी ममालकां दे ममालक अंदर, मुत्तहद अरब अमारात अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, ईवन पाकिस्तान भी शामिल, सारिया ने सफीर सदे, पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, और जेड़े स्टोरों के अंदर समान पिया सी उन्हें सारे नूं क्लोज कर दिता गया। कई स्टोर वालिया ने हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स चक चक के बाहर मारियां, कह लै जाओ असी नहीं तुहाडे नाल कोई कारोबार करते। समझ आ गई, अगले दिन ही फिर अपना बयान बदलन ते उन्होंने कहा नहीं, हुण इत्थे बस नहीं होनी, सानू पूरी सजा चाहिए, पूरी गिरफ्तारी चाहिए, पूरा वो जिहड़ा केड़ा जी केड़ा कानून है 95 सी, हाँ 95 सी, सानू वो चाहिए जिहड़ा पूरी दुनिया के अंदर जिहड़ा मजहबी मामलात के अंदर जिहड़ा इतलाक होंदा है। हाँ हाँ, इन्हों का सर तन तो जुदा करो, फिर साढ़े दिल के अंदर ठंड पैनी है। ए उम्मत मुस्लिमा, अज तू समझना कि मेरे एक नाल की हो जाना, मैं कल्ले ने की कर लेना, मैं कल्ला की कर सकना, ते कल्ले कल्लो कल्लो पुछ होनी है, पूरियां कोलों तो सार कल्ले कल्ले कल्लो पुछ होनी, तू की कीता, अपना दस हिस्सा दस। दो किरदार, चीखा चल रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, तफासीर अंदर लिखा है, गिरगट आंदा फूका मारदा कि अग तेज होवे, चिड़िया चूंच अंदर पानी लैके आंदी है कि किधरे मैं मेरे अल्लों मेरा हिस्सा पवे। किसे पुछया कमलीए एडी वड्डा एडा वड्डा अलाओ बले बलिया होया अग दा, ये तेरी चूंच नाल किस तरह बुझ सकता है। उन्हें कहा अपनी ते आपां ते यार दी यारी निभा रहे हैं, आपां हिस्सा पा रहे हैं अपना, अल्लाह ने पूछना है कल्ले कल्ले कोलो पूछना है, मेरे कोलो तेरे कोलो जो बन पड़ता जो हो सकता वो करिए। जदीद दौरे ऐ ते मौजूद है ना, एदे ते ते एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हो ना, 4-5 जिहड़ियां बड़ियां सोशल ऐप पूरी दुनिया चल रही ने, इन्ना ही कर लो बहुत हो जाएगा अल्लाह। लेकिन असी सुते हैं, सानू पता ही नहीं, साड़ी रोटी पूरी नहीं, साड़ी गैस पूरी नहीं, साड़ी बिजली पूरी नहीं, साड़ी बीवी नाराज होकर टुर गई, बच्चे नाराज होकर टुर गए, फलां मामला हो गया, ऐ असी बस इत्थे ही गिरे हुए, एनू ही पूरी जिंदगी ते सारा मामला समझ लिया, ते उम्मीद ला ली कि सदा जिंदा रहना है, मौत ते फलाने नू आई है टाइम ओहदा सी, मेरा बड़ा पिया होया। जुमा पढ़ रहे हैं, कोई बंदा दसे किसी दे ज़हन च गल ना हो, हर कोई यही सोचता फलाना फौत हो गया उहदा टाइम आया सी, मेरा टाइम डड्ढा है, मेरा टाइम लंबा है, मेरे कोल बड़ा वक्त है, मैं अजे तक चंगा टाइम कढ़ना, फलाने दा टाइम सी उह ते हो गया, मैं ते नहीं जाना हले तक। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मॉडर्न साइंस भी थोड़ी जी तहकीक कर दी, कहिंदी 50-55-60 साल बंदे दा अखीर है, गूगल सर्च करो पता चल जाएगा डैथ रेशो की चल रही है, समझ आ जाएगी। पिछले दिनों डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन एंकर परसन सन, अपना टीवी दे एंकर सन, खबरां पढ़ने वाले, कल के परसों फौत होए ने 50 साल की उम्र अंदर। अक्सर लोग मेरे वेखदिया 50-55-60 बड़े जनाजे मैं पढ़ाए, मैं जनाजे पढ़े कई दे, इतने पुराने बुजुर्ग ने जिहड़े 80-85-90-95 तक पहुँच रहे ने, आ नवे जवान नहीं पहुँच रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा वीर सुने आखिरी आखिरी बात ते मेरा सलाम है ना, उम्मत मुस्लिमा नु जीवन का हक कोई नहीं है, उन्होंने नबी दे बारे अंदर गुस्ताखाना कलिमात बोले जान, उन्होंने नबी की गुस्ताखी की जसारत करके ये लोग जिंदा रहन, असी भी जिंदा रहीए, ये गल नहीं बनती, या असी नहीं, या वो नहीं, या गुस्ता आख नहीं, या उम्मत नहीं। अल्लाहु अकबर, जो हरफे आखरे ना काफिरां नूं इस बात की समझ आएगी, कदी भी गुस्ताखी की जरूरत नहीं करनगे। लेकिन मैं ना, मैनू तेनू मां प्यारी, बहन प्यारी, बीवी प्यारी, घर प्यारा, रिजक अनाज प्यारा, बोए भंडी जायदाद प्यारी, बैंक बैलेंस प्यारा है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनदा जा जरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युक्मिनु, ला युक्मिनु, ओनी देर तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना हब इलैही मिन वालिदी व वलदी वन्नासु अजमईन।
उन्नी देर तक बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, जिन्नी देर तक अपने आप नालों, अपने भैणा भरावां माई बाप नालों, बीवी बच्चियां दे नालों, अपने यारां बेलियां दे नालों, पूरी कायनात नालों सब तो ज्यादा मेरे नाल मुहब्बत करने वाला ना बन जाए, उन्नी देर तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता, उन्नी देर तक वो मुस्लिम नहीं हो सकता। ईमानदारां दी निशानी है नबी अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर को कलिमात बोले जाण, ते जेड़ा साहिबे ईमान होंदा है उन्हूं ते अग लग जांदी है, उह ते तड़प जांदा है, मैं ना भैड़े तो भैड़ा भी मुसलमान, यानी गुनहगार गुनाहगार तो गुनाहगार भी कोई मुसलमान क्यों ना होवे, लेकिन आका दी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुनाहगार किस्म दे मैं लोग वेखे, कारी साहब साडे कोल कोई ऐसे जराए होण असीं बंब बन के ना गुस्ताखा नूं टकरा जाइए जाके, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं, वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह दे, उन्होंने पता कि एको ही नेकी काफ़ी हो जानी है, एको ही नेकी सारिया नेकियां तो भारी पै जानी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक के अंदर हुजूर ने बड़ियां नूं माफ़ फरमाया, बड़ियां दे कतल दे परवाने जारी फरमाए, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रहलते मुबारक तो बाद, विसाले मुबारक तो बाद, उम्मत ते मुस्लिमां दा मुत्तफिका फैसला है, जेड़ा सोने नबी की शान अंदर गुस्ताखी करेगा ओदा सर तन तो जुदा कर दिता जाएगा। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, बोलो सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, पूरी उम्मत मुस्लिमा दा एहो फैसला सारी उम्मत मुस्लिमा दा। मेरे नबी दे गुस्ताखा नू अल्लाह ने आड़े हाथों ले आए ना, एक गुस्ताख टब्बर पूरे दा पूरा गुस्ताख घराना सारे गुस्ताख ना मेरे नबी दे, यानी ये जेड़ा बाप है मेरे नबी दा सका चचा है, सका चचा सोना है, दाए एडा सोना है ना, ओदा चेहरा एवें जिवें अंगारा दग रहा होंदा है, हीरियां दी तरह चमकण वाला चेहरा अबू लहब दा, चमकदा दगदा दगदे कोयले दी तरह उहदा रंग इंज जिवें ठाठा मारदा जिवें लाइटां मारदा होया, एडा सोहणा बीवी बच्चे सारा कुछ, ये भी गुस्ताख है दी बीवी भी गुस्ताख, एदा बेटा भी पूरा घुरान पूरा घराना मेरे नबी पाक दियां गुस्ताखियां करने वाला, बीवी भी गुस्ताखियां करदी, बेटा भी आके गुस्ताखी करदा, बाप भी गुस्ताखी करदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नू इन्ना गुस्ताखां ते गुस्सा आया, मैं अर्ज कीता कि कुराने पाक अंदर दो चार जगह ऐसिया जिथे अल्लाह सुभाना हुआ ताला ने गुस्से का इजहार फरमाया, उन्होंने अंदरों ये भी सूरत लखब चढ़ी नादल फरमाई है ना, कुराने पाक की आखिरी चौथी सूरत, या अल्लाह हु अकबर, अल्लाह करीम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अभी लखब अतब मा अग्ना अन्हु मालू वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतु हम्मालत अल्हतब फी जीदिया हब्लुम मिन मसद। अल्लाह फरमाया सारे दा सारा घराना तबाह हो जाए, बर्बाद हो, अबू लहबा मेरे नबी दे बारे अंदर तू आना मुहम्मद दे बारे अंदर कहना है तब्बन लका तब्बा या मुहम्मद, तेरे दोवें हाथ टुट जान, जो तू कमाया सारा तेरा तबाह हो बर्बाद हो जाए, तेरी बीवी जड़ी है ना गुस्ताखियां कर दी है, एक रस्सी उदे गले दे अंदर उदे गले दा फंदा बन जाएगी, तो फंदा बनी वो तैबा नू पूरे सिक्योरिटी हिसार दे विचों शेर चुक के लै गया जंगल दे विचों, उदा निशान तक न लभिया, अबू लाहब नू कोड़ चलिया, ऐसी गंदी बीमारी चली इहदे कोल कोई ना आवे, कल्ला पिया पिया कमरे च मर गया, बदबखत किसी ने हाथ नहीं लाया, लोगों ने डांगा दे नाल रेड़ रेड़ कटोया खट के, तो उहदे विच दबिया फी जी दिहा हबलुम मिम मसद, एक गुस्ताखां दा अंजाम, अल्लाह नू गुस्सा आया, जिहदा दिल करदा करे, लेकिन उम्मत दा उम्मत दे नबी दे जेड़े उम्मत दे नबी ते जेड़े हुकूक होया करदे ने ना, जेड़े साडे अल्लाह दे रसूल ते हक ने, जेड़े साडे हुकूक ने, उन्हां चों इक ए वी हक के
कि हुजूर दे बारे अंदर को उंगल इंज उठे तो उंगल सलामत ना रहे, जिहड़ी अख उठे सलामत ना रहे, जिहड़ी गर्दन उठे सलामत ना रहे। ए साडे ते नबी दे हुकूक ने, वो ते अपने हुकूक अदा कर गए अद्धी अद्धी रात ते दिन दे उजालियां दे अंदर। सब तो ज्यादा मंगी जाण वाली दुआ रब्बी उम्मती सी, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। वो ते अपना हक अदा कर गए, लेकिन मैं तू हक अदा किवें करने आ? अल्लाह मैनू तैनू सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।